चालू होगा ऐसे करके मेरे को हो गया चालू। ये शरद कुमार दीवान जी अपनी समस्या अभी वर्तमान में जेई मैडम के सामने रखा। इन्होंने जेई मैडम ने अपने बिल निकाल के दिया और वर्तमान में इनकी रीडिंग ज्यादा है लेकिन इनका बिल अभी जीरो रीडिंग का आया है और एवरेज बिल 3 महीने से आ रहा है। यह अपनी समस्या मैडम के सामने रखे। मैडम ने एक बिल निकाल कर दिया जिसमें 1300 का बिल है जो कि 1500 रीडिंग का अंतर है। यह वर्तमान में बिल निकाल कर अभी हम सबमिट करेंगे, अपना लेटर सबमिट करना चाहते हैं, लेटर सबमिट करेंगे। चूंकि मैं ये बताना चाहता हूं आपको, यह व्यक्ति ऐसे हैं जो हमेशा पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन विभाग के द्वारा इनको समय पर बिल नहीं दिया जा रहा है, एवरेज बिल भेजा जा रहा है। अभी वर्तमान में 0 रीडिंग का बिल इनके पास आया है। चूंकि इनके घर में वर्तमान में 12 से 15 आदमी निवासरत हैं और सब जानते हैं अगर 15 आदमी घर में निवासरत हैं, बिजली यूज कर रहे हैं, मतलब बिजली की खपत हुई है, लेकिन 0 रीडिंग आना यह गलती किसकी है? यह कौन जवाबदार होगा जिसके कारण ये अपना ड्यूटी छोड़कर यहाँ आते हैं, 2 घंटे चक्कर लगाते हैं, उसके पश्चात भी इनका समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये पिछले 2 वर्षों से इनके पास पिछले एक लिफाफा पड़ा हुआ है, बैग का आप अपना पूरा लेटर निकालिए और दिखाइए आपको। ये इनका वर्तमान का बिल है, ये जो 0 रीडिंग का बिल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी अपना ये पूरा लेटर निकालेंगे, दिखाएंगे पूरा कहाँ लेटर ये सबमिट किए हैं। अभी मैं प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष अपना यह वीडियो आपके समक्ष प्रेषित कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप इस पर कार्यवाही करें और देखें कि क्या गलती किसकी है। यह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी, देखिए अपना फाइल भी निकाल रहे हैं, यह फाइल इनके सामने देखिए। प्रधानमंत्री महोदय जी, यह लेटर आपके समक्ष भी प्रेषित किया गया था लेकिन वर्तमान तक आज तक ये 2 साल से चक्कर काटते और अपने घर में परेशान होते हुए 56,000 का बिल इनको दिया गया। प्रधानमंत्री कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए प्रधानमंत्री महोदय साहब, आप देखिए ये क्या कहना चाहते हैं, कहिए शरद कुमार दीवान जी। मैंने अपना सबसे पहला पत्र कलेक्ट्रेट में दिया था और कलेक्ट्रेट से जो है प्रेषित होकर डिपार्टमेंट में गया था। उसके बाद जब कलेक्ट्रेट से सुनवाई नहीं हुई तब मैंने बिलासपुर उपभोक्ता फोरम में अपील डाली। उसके बाद वहां से भी मुझे न्याय नहीं मिलने के बाद मैंने विद्युत लोकपाल रायपुर को आवेदन किया, जहां से भी लाइनमैन या जो मीटर छापने वाले की गलती तो बताई गई लेकिन मेरी बराबर गलती बताते हुए मेरे अपील को निरस्त कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस विषय को आपसे चाहूंगा कि आप विषय पर संज्ञान में लें और इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें, उचित जांच इस व्यक्ति के ऊपर किया जाए, चाहे इनके ऊपर शुल्क लगाया जाए, चाहे विभाग के ऊपर शुल्क लगाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे चाहता हूं, मैंने सरकार आपको बना के दिया गया है, मैं आपसे उम्मीद रखती है हमारी जनता। ये देखिए इनका लिफाफा, इनका फाइल, मैं आपको इनका फाइल, पूरा फाइल निकालिए, पूरा फाइल निकालिए। शरद कुमार दीवान जी अपना पूरा फाइल दिखाना चाहते हैं आपको, ये इनकी फाइल देखिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं आज से 10 दिन पश्चात आपकी ये सभी फाइल आपके समक्ष प्रेषित करूंगा। अभी शरद कुमार दीवान जी अभी आपके समक्ष प्रेषित करेंगे, ये सभी फाइल आपके सामने प्रेषित करेंगे। इनकी समस्या एक पत्र की नहीं है, इनकी समस्या पिछले 100 पन्नों की इनकी समस्या है। यह 100 पन्नों की समस्या को लेते हुए आज अपना ड्यूटी छोड़ते हुए ये अपने परिवार को जीवन चला रहे हैं। इनके घर में 5 इनके घर इसके 4 भाई हैं, ये घर को अपना देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई आज तक, ये देखिए यह मीटर रीडिंग, इन्होंने कोशिश किया था मीटर रीडिंग भी इन्होंने लिया था। मीटर रीडिंग है जो मेरे घर से लीक के ले जाया जाता है लेकिन इसके अनुसार बिल नहीं बनाया जाता। आप ये मीटर रीडिंग इनके विभाग का है जो ये रिकॉर्ड बनाते हैं और ये मीटर रीडिंग जो है प्रिंट आउट है जो मैंने बिल पेमेंट किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय, दोनों रिसिप्ट आप देख सकते हैं, इनके द्वारा रीडिंग तो लिया जाता है, रिकॉर्ड भी बनाया जाता है लेकिन इसके अनुसार प्रिंट नहीं किया जाता और मनमाना तरीके से एवरेज बिल छाप के भेजा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर उचित जांच करने की कृपा करें क्योंकि ऐसे व्यक्ति हैं, हमेशा चक्कर काटते काटते आज की इनकी चप्पल घिस चुकी है। कहते हैं कोर्ट के चक्कर काटते काटते घिस जाते हैं, यह व्यक्ति बिजली ऑफिस के चक्कर काटते काटते अपना समय व्यतीत कर रहा है। इनकी सैलरी कट जाती है, इनके पैसे कट जाते हैं लेकिन फिर भी ये लोकपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। और आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय, आपके सामने भी यह पत्र कितने बार, 5 से 10 बार आपके सामने प्रस्तुत किया गया है लेकिन वर्तमान इस पर उचित, अभी तक वर्तमान तक इस पर उचित जांच नहीं की गई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपसे निवेदन है, आपसे नम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय कि इस पर उचित जांच करवाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है शरद कुमार दीवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शरद कुमार दीवान जी।
मेरा बीपी नंबर भी।